हेलो दोस्तों, मेक माय एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। इससे पहले हमने तीन वीडियोस बनाए हैं। इस एक वीडियोस में भारतीय संसद, एक में लोकसभा तथा एक में राज्यसभा के बारे में जाना है। इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति से संबंधित वे क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी ने अब तक पूछे हैं तथा कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस जो आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति तथा डी प्रधानमंत्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष गलत है, उपराष्ट्रपति द्वितीय नागरिक होता है, प्रधानमंत्री गलत है। क्वेश्चन नंबर दो, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है? एक क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा गया है कि भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, भारत में कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल का नेता, या फिर ऑप्शन डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रधानमंत्री इन कार्यों को करता है। विरोधी दल का नेता गलत है, मुख्य सचिव एक अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर तीन, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी थल सेना अध्यक्ष, या फिर ऑप्शन डी फील्ड मार्शल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। आपातकाल के दौरान भी देश की तीनों सेनाओं की संपूर्ण शक्ति केवल राष्ट्रपति में निहित होती है। उपराष्ट्रपति गलत है, थल सेना अध्यक्ष केवल थल सेना के होते हैं, फील्ड मार्शल गलत है। क्वेश्चन नंबर चार, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की मिनिमम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर पांच, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 70 वर्ष, ऑप्शन सी 75 वर्ष, ऑप्शन डी आयु की कोई सीमा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु के लिए कोई बाउंड कोई सीमा नहीं है। कुछ लोग जानते हैं 65 वर्ष, लेकिन ये गलत है क्योंकि 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की आयु की अधिकतम सीमा होती है। 70 वर्ष भी गलत है, 75 वर्ष भी गलत है। क्वेश्चन नंबर छह, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन ए सूची पद्धति, ऑप्शन बी संचयी मत पद्धति, ऑप्शन सी सापेक्ष बहुमत पद्धति, या फिर ऑप्शन डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी
सापेक्ष बहुमत पद्धति प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए अपनाई जाती है। संचयी मत पद्धति का उपयोग भारत में नहीं होता है। सूची पद्धति का उपयोग भी भारत में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? या इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 3 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है, कार्यकाल 5 साल का होता है। 6 वर्ष गलत है। रूस के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। 4 वर्ष गलत है, 3 वर्ष भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन ए संसदीय समिति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, या फिर ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अर्थात यदि राष्ट्रपति के पद के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च या न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। संसदीय समिति का कार्य सर्वोच्च न्यायालय संसदीय समिति का कार्य राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा नहीं होता है। इसके हाथ में केवल विधायी शक्तियां होती हैं, जैसे कानून बनाने संबंधी शक्तियां। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य लोकसभा की अध्यक्षता होता है। निर्वाचन आयोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं अन्य चुनाव में हस्तक्षेप कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन बी संविधान संशोधन से, ऑप्शन सी कानूनी कार्यवाही से, या फिर ऑप्शन डी महाभियोग द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी महाभियोग द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव लाकर मंत्रिपरिषद को उसके पद से हटाया जा सकता है। संविधान संशोधन जब केवल कानून बनाने के लिए ही किया जाता है, कानूनी कार्रवाई से राष्ट्रपति के विरुद्ध कभी भी कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि वह देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। अतः इसका करेक्ट आंसर है डी महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? अर्थात यदि राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगाते हैं तो यह कम से कम कितने दिन पर उसे सूचना देनी चाहिए? ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, या फिर ऑप्शन डी 60 दिन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 14 दिन। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी संसद में लाने से पूर्व 14 दिन पहले उसकी सूचना दी जानी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल, या फिर ऑप्शन डी महाधिवक्ता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी सही नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति का ही प्रधान सेवक होता है। अटॉर्नी जनरल एक कर्मचारी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। महाधिवक्ता भी एक कर्मचारी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। अतः ये सब राष्ट्रपति को शपथ नहीं दिला सकते। अतः करेक्ट आंसर है
ऑप्शन ए भारत की न्यायपालिका का प्रधान, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 12, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। यदि किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा दी गई है तो वह दया याचिका द्वारा राष्ट्रपति से अपनी सजा को कम करने या फिर अपनी फांसी की सजा को बदलने की याचिका कर सकता है, और राष्ट्रपति को यह अधिकार है या उसकी सजा को कम भी कर सकता है या उसकी याचिका खारिज भी कर सकता है। प्रधानमंत्री के हाथ में निर्णय नहीं होता, मुख्य न्यायाधीश के हाथ में भी यह निर्णय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि मृत्यु त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के पास स्वयं एक पद होता है, अतः वह राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं कर सकता। भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं हो सकता क्योंकि भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग तथा दोनों अलग अलग स्वतंत्र स्वतंत्र हैं, इनमें से कोई नहीं। ये गलत है, अतः इसका करेक्ट आंसर है उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान में एक ऐसे पद की व्यवस्था की गई है जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर उनका कार्यभार संभाल लेगा और उस पद को उपराष्ट्रपति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी एक राज्य का राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का नियुक्ति निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत का उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसी पद्धति से होता है जिस पद्धति से भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियोस और बनाए हैं, लोकसभा, भारत की संसद और राज्यसभा के बारे में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।